हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 21 मार्च का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था सरस्वती सम्मान से। तो सरस्वती सम्मान किस पे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको पोएट्री पर या नोबल पर, ठीक है। और ये सबसे सबसे पहली बार किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो ऑटोबायोग्राफी इन 4 वॉल्यूम्स लिखे थे उनके उसके लिए 1991 में। और 2016 में किसको दिया गया है? तो महाबलेश्वर सेल को 2016 में दिया गया है, ठीक है। नोबल लिखे थे इसके लिए। और इस सरस्वती सम्मान पहली बार कब चालू हुआ था? 1991 में। लोकेशन कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट कौन बनाया था? तो शाहजहां बनाए थे। इनका पूरा नाम क्या था? शाहउद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इनका जन्म हुआ था 1592 में और मरे थे 1666 में। और इनको दफनाया गया था ताजमहल आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नारी ऑनलाइन पोर्टल किस कौन इनोग्रेट किया था? तो ये श्रीमती मेनिका संजय गांधी ने इनोग्रेट किया था। और किस लिए किया गया था? तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्राइब ऑन विच द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ द फ्लावर इज नेम्ड। देखिए ये क्वेश्चन 2018 का ही है, 2017-18 में ही दोनों न्यूज में रहा है। तो ये नागालैंड का एक ट्राइब है, कोन्याक पीपुल करके है, कोन्याक ट्राइब है, उसी पर ये इस फ्लावर का नाम रखा गया है, गिलोडोविया कोन्याक किनोरम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है प्रेशर पर। तो प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का दिया हुआ है 120 न्यूटन और प्रेस एरिया का दिया हुआ है 5। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना और आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए कि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेपाल का कोड पूछा है। तो नेपाल का कोड होता है +977। तो अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होता है? इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद श्रीलंका और श्रीलंका के बाद म्यांमार। तो एक चीज़ याद रखिए कि इसका क्या है 91, पाकिस्तान का 92, अफगानिस्तान का 93, श्रीलंका का 94 और म्यांमार का 95। ये तो आपको याद हो गया कि IPASM। और उसके बाद आप देख लीजिए बांग्लादेश का 880 है, श्रीलंका का आप देख लिए हैं, भूटान का 975 है, ठीक है, मलेशिया का 60 है और USA का 1 है। तो ये सारा देख लीजिए, क्योंकि अगर कोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट शिफ्ट में कोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट हमको मिला है। डेविड मार्नर रिलेटेड टू द सनराइजर हैदराबाद और एजरे भाईजान ग्रैंड पिक्स वन बाय द डेनियल रिचर्ड। इसका तीनों स्टेटमेंट हो तो एक आदि स्टेटमेंट किसी को पता हो तो नीचे कॉमेंट में करना नहीं भूलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द केमिस्ट्री स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें कुछ इसका भी एग्जैक्ट स्टेटमेंट पता नहीं हुआ, मगर एक चीज़ पता चला कि ऑक्साइड फॉर्म बाय मेटल दिया हुआ था, एक स्टेटमेंट था। तो वो बेसिक इन नेचर होता है, ऑक्साइड फॉर्म बाय नॉन मेटल वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस तरह एक और स्टेटमेंट होगा जो ये नहीं पता, इसको देख लीजिएगा, ये दोनों हालांकि सही है। लेबर डिमांड इक्वल टू सप्लाई के डिमांड होता है इक्वल। देखिए यहाँ पर लेबर का लेबर 1 है तो इसका वेजेस इसको 90 रुपया मिल रहा है, 2 लेबर हुआ तो 80, इसी तरह करते यदि 5 हो गया तो इसको 10 रुपया मिला। तो ये ग्राफ है लेबर डिमांड कर्व का। नेक्स्ट देखते हैं। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। तो देखिए USA में डबल सिटीजनशिप दिया जाता है, जिसे स्टेट का अलग होता है और कंट्री का अलग होता है, मगर इंडिया में एक ही सिटीजनशिप दिया जाता है, वो है सिर्फ इंडिया का, स्टेट का यहाँ पर कोई सिटीजनशिप नहीं होता है। तो इसका देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में सिटीजनशिप आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विच कंट्री रैंक 1 इन GDP? तो GDP में कौन रैंक 1 है? तो देखिए चाइना रैंक 1 है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी में 1 पर है और USA 1 पर है नॉमिनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।